पहले कि मुख्तसर से गुफ्तगू की जाए, हॉल की इंतजामिया की तरफ से गुजारिश की जा रही है कि आप सीट पे जाके अनाउंस करें कि मास्क जो है अपने अपने आप सब दोस्त जिनके पास मौजूद है वो लगाएं, ये ज्यादा जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ ज़ाक इंस्टीट्यूट की इंतजामिया का, उनके तमाम कारकुनान का और आप तमाम अहबाब का कि उन्होंने दावत दी, और बहुत ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है ज़ाक इंस्टीट्यूट की तमाम इंतजामिया कि जिन्होंने वो पहला कदम उठाया, और आज माशाल्लाह आप लोगों को देख के यकीन होता जा रहा है कि ये काफिले की सूरत में अब कई मंजिल सर करेगा और आगे से आगे इंशाल्लाह बढ़ता चला जाएगा इंशाल्लाह। ये जो आज का दिन है वो आप ही लोगों की वजह से ज़ाक इंस्टीट्यूट को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है, और मैं चाहूंगा कि आप तमाम दोस्त अपने लिए भी लाजमी तालियां बजाएं, क्योंकि खलील साहब किबला मौजूद है, उनके सामने गुफ्तगु करना तो सूरत को चराग दिखाने के मुतबादिल है। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर सोच के रिस्क के दरवाजे खोले हैं, उन पर लफ्जों के रिस्क के दरवाजे खोले हुए हैं। मैं बस मुख्तसर सा जो है वो वक्त लूंगा आप तमाम दोस्तों का, और बस आप यही समझिए कि मैं अपना सबक ही सुनाऊंगा उन्हें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं चाहूंगा कि ऐसे जो हमारे दरमियान अभी मौजूद हैं अल्लाह उन सबको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह आप सबको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। और सिर्फ 2-3 मिनट और लूंगा, मुझे नाम भाई ने कहा कि आपने कुछ सैफुल मलूक के कुछ अशआर सुनाने हैं, आप दोस्तों को पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं कि सैफुल मलूक जो है ये एक सुफियाना कलाम है, जैसे बाब बुल्ले शाह सरकार हैं, जैसे ही वारिश शाह आपकी वारिश शाह रहमतुल्लाह हैं, इसी तरह से हजरत मियां मोहम्मद बख्श चार पे खड़ी एक बुजुर्ग हैं जिनका कलाम सैफुल मलूक के नाम से जाना जाता है। ये कलाम असल में तो उसका नाम था सफरुलेश, लेकिन चूंकि सैफुल मलूक उस कहानी का किरदार था और उस किरदार के नाम से ही इस कहानी को शोहरत मिली, मारूफ हुई, मकबूल हुई। तो पंजाबी का कलाम है, सिर्फ 2-3 शेर आपकी नजर करूंगा। आपने यकीनन सुन रखा होगा, बल हम सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान ना हारदा, और शद्दा मद्दा जेरा जबरा सब शान नबी विच आईयां, आमा लोका खबर न काई खासा रमजा पाई। वालदैन की शान में एक शेर पढ़ता हूँ मियां साहब के कलाम के लिखा हुआ, और वो है कि उच्चियां लंबियां टालियां ते ठंडियां जीना दियां छावां, आरशे मिले बाजार मुशाहिदा किया होगा, लोग पढ़ लिख जाएं,
किसी के पास बड़ी डिग्री आ जाए तो आप उसे कोई बात समझाना चाहें तो वो फौरन आपको कहता है यार तू मेनू दसन डे की मैं डॉक्टर फलां बिन फलां बिन फलां तू मेनू दसन डे। अब शहरों की वो उस तरह से रिवाइट नहीं रही क्योंकि वो मतलब नेस्ले प्रिमा हलीम दूध वगैरह आ गई वगरना पहले तो दूध उबाले के लिए रखा जाता था तो पूरा दिन उसके ध्यान में लगा रहता था उबल के हाँ बिल्कुल ये लग ना जाए या उबल ना जाए। शाम नु मावा भैणा थिया ने उन्हू ला के देख के कप ना पुत्रां नु ते बच्चां नु पिआउणा। तो जो लोग तकबर करते हैं किबर करते हैं उनके लिए एक शेर मैं आपकी नजर करूंगा मियाँ साहब रहमतुल्लाह का ही शेर हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श चार बेकड़ी शरीफ का। आप फरमाते हैं कि पढ़ा तू मान करीना नाया थी मैं पढ़िया ओ कहार जबार सदावे लोको ते रोड़ देवे दूध कड़े एक इसी दास्तान में की सर वही जी बिस्मिल्लाह। ओ कहार जबार सदावे ते रोड़ देवे दूध खड़े आना जाना जिथे हम भी ऐसे ही थे जब आए चाहे जाने वाले सलाम बहुत शुक्रिया।